और जिसकी वकालत आज तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। ये जो बिल है ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। देखिए ये भी एक बहुत भ्रम फैलाने वाली बात है कि भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि न्यायवाद नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। अब भारत की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम लोग लोकसभा के सांसद चुनते हैं, वो सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। इंडिया गठबंधन में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक ओर नीतीश कुमार जी हैं तो दूसरी ओर राहुल जी हैं, तीसरी ओर ममता बनर्जी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब अपने अब आप में दमखम रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। एकदम निश्चित रहिए कि जब ये गठबंधन जीत के आएगा संसदीय प्रणाली से, जब हमारे सांसद आएंगे 272 जीत के, तो वो सर्वसम्मति से चाहे जिसको भी को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बिहारी होने के नाते मैं जरूर मैं चाहूंगा कि ये पद बिहार आए, लेकिन कौन बनेगा नहीं बनेगा ये हमारे जो 272 सांसद जीत के आएंगे वो तब तय होगा। अभी हमको एक साझा कार्यक्रम पे, एक साझा प्लेटफॉर्म को साझा करके, एजेंडा को साझा करके चुनाव लड़ना है। और इन लोगों को जो एक तंत्र कर दिया है, जिन लोगों ने दो आदमी की सरकार बना दी है, पूरे तरह से लोकशाही को समाप्त करके एक तरह से लीडरशाही कर दी है, उस व्यवस्था को समाप्त करना है अपने आप। और ये भी समझ लीजिए कि उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये आप सवाल कर सकते हैं, मोदी के बाद कौन, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। एक से एक बड़े धुरंधर नेता बने हैं, जब समय आएगा तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत धन्यवाद।